हाय गाइस, मैं शॉन, आप देख रहे हैं टेक्निकल शॉन। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं सभी MIUI 12.5 का सिस्टम ऐप्स को कोई भी शॉन डिवाइस में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप MIUI 12.5 को इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं या आपका डिवाइस एलिजिबल नहीं है MIUI 12.5 के लिए अभी के लिए, तो कैसे आप उसका MIUI 12.5 का सिस्टम ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी शॉन डिवाइस में। वो ज़्यादातर आपका डिवाइस में डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस में वो ऐप इंस्टॉल होगा या नहीं होगा, मतलब कि आपका डिवाइस में कौन सा रॉम रन कर रहा है, उस हिसाब से कोई कोई ऐप्स चलेगा और कोई कोई ऐप्स नहीं चलेगा। तो आपको MIUI 12.5 में मतलब अराउंड 16 ऐप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि अपडेटेड है, और उसमें कुछ ना कुछ नया फीचर्स आपको देखने को मिलने वाला। मैं आपको सभी तो ऐप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं ये सभी ऐप्स को, और उसके बाद आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको चेक करना होगा कि आपका डिवाइस में कौन सा ऐप काम कर रहा है और कौन सा नहीं काम कर रहा है। तो देख सकते हैं कि इसमें आपको पहले नोटिफिकेशन, स्क्रीन रिकॉर्डर, नोट्स, उसके बाद आपको हेल्थ ऐप क्लीनर, उसके बाद आपको सिस्टम प्लगइन्स आपको देखने को मिल जाएगा, अपडेट ऐप, तो सभी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले अगर आप देखें तो इसमें आपको सेटिंग में थोड़ा बहुत UI चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आपको वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन आपको खाली चाइना रोम में ही देखेगा, अगर आप चाइना रोम यूज़ कर रहे हैं अगर तो ही आपको देखने को मिलेगा, या आप EU रोम यूज़ कर रहे हो तो आपको नया UI देखने को मिलेगा, नहीं तो अगर आप ग्लोबल स्टेबल या इंडिया वाला रोम यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको खाली डिस्प्ले में डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ऐसा कुछ आपको नया देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा, अगर आप जाएगा नोटिफिकेशन इंस्टॉल किए होंगे तो नोटिफिकेशन सेट में आपको ग्रुप नोटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, बट आपका नोटिफिकेशन जो है लॉक स्क्रीन में थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गया है, तो आप नोटिफिकेशन को अपडेट कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपको बोलूँगा सेटिंग इंस्टॉल कर लीजिए, नोटिफिकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर आप जाइएगा कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार में तो उसमें आपको होम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका सेटिंग जो है अपडेटेड वाला है, उसमें आपको नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप पहले से इंस्टॉल करके रखे तो ये वाला एक बार इंस्टॉल कर दीजिए, इसमें आपको बग्स कम है, मतलब कि मेरे हिसाब से बग्स इसमें नहीं है, क्योंकि मैं बहुत देर से यूज़ कर रहा हूँ और मैं MIUI 12.5 भी यूज़ कर रहा हूँ, तो MIUI 12.5 पहले से लाइटर और स्मूथ चल रहा है, बट कभी कभी लैग कर जा रहा है, तो वो अलग एक रीज़न है, मुझे नहीं पता, अब आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप जाइएगा इसका सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी में भी आपको क्लीनर में आपको नया कुछ अपडेट देखने को मिला है, जो कि आपको जो उसका एनिमेशन है वो आपको नया देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जाइएगा इसका बैटरी में, तो बैटरी सेवर के सामने आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो कि टेम्परेचर और आपका बैटरी चार्ज वो सब आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको फिक्स टू बैटरी स्टेटस यूज़र तो वो सब आपको देखने को मिलने वाला, तो जो आपको अभी सजेस्ट कर सकता है बैटरी में। आपको क्लीनर में एक नया एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, और अगर आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको गेम टर्बो में नया लोगो देखने को मिल सकता है। वो आपके ऊपर मतलब आपका डिवाइस पर डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस में चेंजेस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका रॉम जो है उस पर आपका ऐप डिपेंड कर रहा है कि इंस्टॉल होगा कि नहीं। और आपको प्राइवेसी में नया देखने को कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका शायद सिक्योर कीबोर्ड आ सकता है या नहीं आ सकता, ये आपका डिवाइस में मतलब अगर आप चाइना रॉम यूज़ कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा, स्टेबल इंडियन रॉम यूज़ कर रहे हैं या ग्लोबल रॉम यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा फीचर्स इसमें नहीं देखने को मिलेगा, बट अगर आप चाइना रॉम यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलने वाला है MIUI 12.5 के ऐप्स इंस्टॉल करने में। और अगर आप देखें तो उसमें आपको क्लॉक का ऐप जो उसमें आपको अपडेट देखने को मिला है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपको नया फीचर देखने को मिल जाएगा। वो आपको सैंड क्लॉक जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा स्टॉप वॉच में, और आपको कैलकुलेटर और स्क्रीन रिकॉर्डर, उसमें आपको कुछ ऐसा नया फीचर तो नहीं, बट आपका बग्स इंप्रूव हुआ तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। और आपका अपडेटर ऐप में भी पोको में काम नहीं करता है, नोट 7 में काम कर रहा है, नोट 7 प्रो में काम कर रहा है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप देखिएगा तो आपको कुछ और लास्ट ऐप मतलब बच गया, जो कि आपका ऐप वॉल्ट में आपको थोड़ा बहुत UI चेंज हुआ, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, वो आपका चाइना वाला के लिए चेंज हुआ है, तो चाइना वाला आप ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि आप चाइनीज रोम यूज़ नहीं कर रहे। और आप मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनल डिवाइस है तो MIUI 12.5 पर चाइना वाला बिल्डअप आप इंस्टॉल नहीं कीजिए, क्योंकि आपका गूगल ऐप्स में काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है, इंस्टॉल कर देने के बाद भी गूगल ऐप्स सही से नहीं चल रहा है, मतलब कि मेरा तो नहीं चल रहा, अब नहीं पता क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा MIUI 12.5 को इंस्टॉल करने के लिए अभी, नेक्स्ट एक दो अपडेट के लिए रुक जाइए, यानी तो गूगल ऐप्स के साथ उस पर पंगा होते ही रहेगा। तो अगर आप देखें तो इसमें आपको हेल्थ ऐप और आपका वर्कआउट, इसमें आपको जो हार्ट रेट वाला जो ऑप्शन है MIUI 12.5 में स्पेसिफाइड आया, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप कैमरा यूज़ करके हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है, जो कि और कोई मतलब कि अभी तक कोई और सिस्टम ऐप्स या मतलब और कोई UI में नहीं देखने को मिला है। और लास्ट आपको वॉल्यूम UI में देखने को मिल गया अपडेट, जो कि इसको आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर डार्क मोड अच्छा से सपोर्ट करता है, और जितने फीचर ये आपको अच्छा से काम करता है, पहले आपको बहुत ज़्यादा बग्स देखने को मिल रहा था इसमें, बट अभी आपका इसमें कुछ बग्स देखने को नहीं मिल रहा। और फाइल मैनेजर में भी अपडेट है, बट फाइल मैनेजर ज़्यादा डिवाइस में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, मेरा 3 डिवाइस में इंस्टॉल नहीं हुआ, जिसमें MIUI 12.5 उसी में इंस्टॉल हुआ। तो सभी ऐप्स का आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स आप
मतलब आप तीन ऐप्स इंस्टॉल मत कीजिए, पहला आप मतलब आपका गैलरी हो गया और आपका दूसरा फाइल मैनेजर, ये दोनों मत इंस्टॉल कीजिए, ज़्यादातर आपका फ़ोन क्रैश हो मतलब आपका वो ऐप क्रैश हो सकता है, फिर आप अनइंस्टॉल अपडेट कर लीजिए तो आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो बस यही था सिस्टम ऐप्स का पूरा लिंक, मतलब जो कि पूरा आपका मतलब जितने भी ऐप्स था सभी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं 16 ऐप्स को, सिस्टम ऐप्स को जहाँ से मतलब डाउनलोड कीजिए। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करने के बाद एक चीज़ कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बस आपका MIUI 12.5 का सिस्टम ऐप्स को ट्राई कीजिए, बताइए और क्या चाहिए आपको MIUI 12.5 से रिलेटेड, तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा, नीचे कमेंट कीजिए और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कर दीजिए, ऐसे मत जाइए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं बोलता कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।